पांच जगह झूठ बोलने से भी पाप नहीं लगता। बोलो राधे राधे। सब कहिए राधे राधे। अब पांच जगह कौन कौन सी है? शुक्राचार्य कह रहे हैं, स्त्री सो नर्म विवाहे च वृत्यरथे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थ हिंसाया नानृतम जुगुप्सितम। ये पांच जगह है। अब आपको हंसी आएगी, महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, कोई मुझे बोले आकर के बोले महाराज जी आपने ऐसी बात कही है व्यासपीठ से। शुक्राचार्य कह रहे हैं, स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलने में पाप नहीं है। बोलो राधे राधे। कैसे? विनोद में। भाई मेरी पड़ोसन खाए दही तो मुंह पे कैसे जाए सही। मैंने तो पांच, इसने तो 5,000 की साड़ी पहन रखी है, मेरे पास 500 की भी नहीं है। अब मेरे लिए लेकर के आओ, पति देव से कहती है पत्नी, और अपनी पॉकेट अलाउ नहीं करती। तो उस समय विनोद में आप झूठ बोल देते हैं, देवी कोई बात नहीं बाद में तुम्हारे लिए ले आएंगे, और फिर आप लेके ही नहीं आए। तो वहां यदि झूठ बोल दिया तो पाप तो है, नानृतम पाप तो है, पर उतना नहीं है। झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन वहां विनोद में यदि आपने झूठ बोल दिया तो फिर दोष नहीं है। नर्म विवाह, आपके द्वारा अगर किसी का विवाह हो रहा है वहां थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े, थोड़ा ज्यादा नहीं, तो वहां भी दोष नहीं है। वृत्त्यर्थे, वृत्ति के अर्थ में, वृत्ति का अर्थ होता है कि जैसे मैंने हमारे संगीतकारों को बुलाया, मैंने कहा भाई आपको ये चीजें आती हैं, चाय कम आती हैं, लेकिन वृत्ति का अर्थ है, जीविका का अर्थ है, तो कहने लगे नहीं हम कर लेंगे। तो वृत्ति के अर्थ में चाहे थोड़ा बहुत झूठ बोलना लगे तो वहां दोष नहीं है। प्राण संकट है, प्राण संकट में हो भैया, गले पर कोई तलवार चलाए और वहां झूठ बोलना पड़े तो पहले प्राणों की रक्षा करो, और गऊ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलने में कोई दोष नहीं है। नैत्य गुरु शुक्राचार्य ने समझाया, कुछ बना बिगड़ा नहीं है, मना कर दो, झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगेगा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाए वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।